नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल सीनिक सतपुड़ा पर जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें सतपुड़ा के जो मशहूर ढाबे हैं उनकी बात हम करेंगे और हम शुरुआत कर रहे हैं नीम पानी के मशहूर फौजी ढाबे से। हम भारत के लोग ढाबों पर खाने के लिए जैसे हर दम तैयार रहते हैं, और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो फिर हाईवे पर कदम रखते ही ढाबों की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही राहगीरों और जायके की तलाश में रहने वालों को फौजी ढाबा कई दशकों से लुभाता आया है। किसी वक्त बैतूल के इन घने जंगलों से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों के पास खाने सुस्ताने के लिए गिनी चुनी जगहें ही होती थीं। ये ढाबा उस दौर से यहाँ जमा हुआ है। कोई 43 साल पहले सरदार लाभ सिंह ने पंजाब से यहाँ आकर बसने का फैसला किया और ये ढाबा खोला था। सरदार लाभ सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनके बेटे सुखविंदर सिंह इस ढाबे को चलाते हैं। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। 1978 ये डैडी फौज में थे, सिख रेजिमेंट, उससे रिटायर होके यहाँ पे आए थे, फिर ढाबा खोला था। एक बार छोड़ के चली गए थे, फिर दूसरी बार हमारे वाजपेयी ने बुलाया था, फिर उसके बाद खोला था, फिर चलाया। इसे आप सतपुड़ा की महकती फजा का असर कहिए या फिर देसी मसालों का जादू, जो यहाँ बने खाने की महक हाईवे से आते जाते लोगों को मदहोश कर देती है। तेज तड़का लगी पीली दाल हो या मसालेदार ग्रेवी वाला चिकन, इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। देसी मसाले यूज करते हैं, कोई बाहर का नहीं, इंडियन मसाले हैं। तीतर है, जंगली मुर्गा है, चिकन, देसी चिकन, जो चीज जैसी इच्छा लगती है आदमी को अरेंजमेंट देते हैं। नीम पानी नेशनल हाईवे 46 पर पड़ता है और इसी वजह से दूर दूर तक जाने वाले मुसाफिर यहां से होकर गुजरते हैं। खासकर सड़कों पर थका देने वाले और लंबे सफर के बाद ट्रक ड्राइवर्स यहां पर कुछ देर के लिए रुकना पसंद करते हैं। इनमें से कईयों के लिए तो यहां रुककर खाने का लुत्फ लेना एक आदत बन चुकी है। गर्मा गर्म और कुरकुरी तंदूरी रोटियां न सिर्फ लाजवाब स्वाद देती हैं, बल्कि आगे के सफर के लिए ताकत भी। पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हर स्टेट का आदमी आता है। कम से कम मुझे 12 से 15 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, और मुझे तो याद भी नहीं जब से ये होटल है यहाँ पे, लेकिन आज तक का जो भी है, हम यहाँ से चलते थे, यहाँ से खाना खा के भोपाल जाते हैं, जब रिटर्न वहाँ से होते तो हम यहीं खाना खाते हैं, लेकिन जब से हम खा रहे हैं आज तक यहाँ का स्वाद मतलब लाजवाब रहा है। आज तक हमको स्वाद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, और हमको तो याद भी नहीं है, हम तो अभी जो उम्र है हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ये होटल है। क्या पसंद है यहाँ पे? यहाँ आते हैं भोजन में क्या खाते हैं? सेव भाजी। अच्छा, वो यहाँ की फेमस होगी। एमपी की मशहूर सेव भाजी हो या अरहर की दाल, सबके अपने दीवाने हैं। लेकिन मैं तो यहाँ मिलने वाले चिकन के चर्चे सुनकर आया हूँ। शेफ कहिए या के खानसामा, बावर्ची कहिए या रसोईया, राकेश भाई अपने ही अंदाज में चिकन की रेसिपी को देहाती और लोकल फ्लेवर देने के लिए जाने जाते हैं। पहले घी थोड़ा डालना है अपने को चिकन में। पहले अपन ने फ्राई पैन पे घी डाली, फिर थोड़ा तेल डाला, उसके बाद थोड़ा सा अपन ने काट के लहसुन डाला, उसको थोड़ा ब्राउन होने के बाद में अपन ने थोड़ा पेस्ट डाला अदरक लहसुन का। उसे भी ब्राउन होने के बाद में फिर अपन को थोड़ी हल्की मिर्ची छोड़नी है, थोड़ी हल्दी छोड़नी है,
फिर गरम मसाला छोड़नी है, उसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी छोड़नी, फिर उसे धनिया छोड़िए उस पर से, थोड़ा खड़ा मसाला छोड़िए उसमें, उसे पकाने के बाद में फिर अपन थोड़ी तरी बना, जब अपन ने रेडी करके रखी हुई तरी बनने के बाद में उसके बाद अपन को चिकन छोड़ना है। चिकन को नहीं भी तो अपन को 5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। थोड़ा पानी डाल दिए चिकन को उबाला वाला, उसके बाद में फिर उसे पकने दीजिए। जब आपकी आंखों के सामने चिकन पकाया जा रहा हो, चूल्हे पर रखी कढ़ाई से ग्रेवी छलक रही हो और मसाले में लिपटे चिकन के पीस चमचमा रहे हों, तो इसे खाने के लिए वेट करना मुश्किल हो जाता है। इसकी रेसिपी और बनाने की प्रोसेस बड़ी लंबी लगने लगती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, यहाँ तीखा और जायकेदार था। जब रोगन छोड़ दिया, अपना चिकन रेडी हो गया, उसके बाद फिर अपन ने डिश में डाल दिया। कुछ भी हो, धीरज आखिर में रंग लाता ही है। प्लेट पे डालने के बाद में ऊपर से धनिया डालनी है इसमें। आमतौर पर क्या होता है कि चिकन में बाद में जो धनिया पड़ता है, हरा धनिया, वो सारे मसालों का जो क्रेडिट है वो खा लेता है। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इसमें जो देसी मसाले इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि अंकल ने बताया, तो जो फ्लेवर है वो चिकन खाते हुए आप महसूस कर सकते हो, चाहे वो मिर्च हो या आमतौर पर लहसुन और जो प्याज होता है वो डोमिनेट करता है टेस्ट को। लेकिन इस चिकन के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप हर एक मसाले को का जो फ्लेवर है वो आप महसूस कर सकते हो, आपकी ज़बान पे आता है उसका स्वाद, कोई एक जो टेस्ट है उसे वो डोमिनेट नहीं कर रहा है इसमें। आमतौर पर इस एरिया के जो ढाबों में होता है, मिर्च जो है ज़्यादा होती है और मिर्च हमेशा डोमिनेट करती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लेवर्स आ रहे हैं इनके, वो मिर्च कम है और मसाला बहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं, सरदार सुखविंदर सिंह की शख्सियत भी कमाल है। उनका दोस्ताना बर्ताव एक अपनेपन का एहसास देता है। कई दिनों तक घर से दूर रहने वाले और रास्तों पर जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारने वालों को वो कुछ अपने से लगते हैं। शायद यही वजह है कि वो स्टेयरिंग थामते ही यहाँ फिर आने का वादा करते जाते हैं।